स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फिफ्थ मैथ पेज नंबर 12 के सम करेंगे। 10 टू 12 टेंथ सम है। रीराइट दीज नंबर्स इन द इंडियन सिस्टम। ये नंबर इंटरनेशनल सिस्टम में दिए गए हैं बच्चों, इनको हमने इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना है। जैसे इसकी पहचान कैसे होती है, इंटरनेशनल सिस्टम में हम क्या करते थे, लास्ट से 3 डिजिट काउंट किए कॉमा लगा दिया, फिर 3 डिजिट काउंट किए कॉमा लगा दिया। लेकिन इंडियन सिस्टम में ऐसा नहीं होता। तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको क्या लिखेंगे बच्चों, ए को जैसे पहले यू का यू लिखा, अब इसको क्या लिखेंगे, इसके फॉर्म में एक बार आता है 4982903। अब ये इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे बच्चों, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लाख टेन लाख, तो ऐसे लिखा जाएगा बच्चों। ओनली डिजिट्स में लिखना है, इनको वर्ड्स में नहीं लिखना, लेकिन इसमें डिजिट वही है, यानी कि पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। इसको क्या पढ़ेंगे हम, 4,982,903, और इसको क्या पढ़ेंगे 49,82,903। तो ये डिफरेंस पढ़ने में होता है बच्चों, डिजिट्स वही करते हैं। अब बी पार्ट में 53,298,006, तो इसके डिजिट डेसिमल आता है बच्चों एक बार। अब वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लाख टेन लाख करोड़, तो इसको क्या बढ़ेंगे 5,32,98,006। सी पार्ट 10 लाख और ये करोड़ बच्चे 7,83,20,300। डी पार्ट 80,385। ई पार्ट बच्चों 11th सम बच्चों, रीराइट द नंबर्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम। ये नंबर बच्चों इंडियन सिस्टम में दी गई हैं, इनको आपने इंटरनेशनल में लिखना है। बच्चों क्या करेंगे, डेसिमल हटा दो,
डेसिमल हटा दिया, तो क्या करेंगे पीछे से थ्री डिजिट काउंट करो, 1 2 3 और फिर 3 1 2 3, तो ओनली 3 है, तो आप यहाँ को बन जाता है बी पार्ट। अब इसका फॉर्मा आ गया, देखो बच्चों और अभी इंटरनेशनल सिस्टम में अकॉर्डिंग क्या लिखोगे, पीछे से 3 डिजिट काउंट करो, 1 2 3 1 2 3। अबे इसमें 1 2 3 1 2 3 करे तो दो ग्रुप बने, तो इसको क्या बनेंगे आप, ये ग्रुप हमने इसके पीछे 1000 लगाना है, मिलियन का, तो इसमें बड़ा ही मिलियन बनता थर्ड ग्रुप। अब इसको बनेंगे आप 812,450 और इसको बनेंगे 1,503,469। सी पार्ट बच्चों, कॉमा कर दो और पीछे से 3 डिजिट काउंट किए, फिर 3 काउंट किए और बच गए डी पार्ट। अब इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग फिर कॉमे लगाओ, 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3 बच गए, तो ये बच्चों अपना 11 सम कंप्लीट। 12 सम फिलिंग द ब्लैंक्स, ए 1 मिलियन इक्वल टू लाख, बी पार्ट 100 लाख इक्वल टू मिलियन, सी पार्ट 10 मिलियन इक्वल टू करोड़ और डी पार्ट 100 मिलियन। वन मिलियन में कितने लाख होते हैं बच्चों, 10 लाख, और 100 लाख में कितने मिलियन होते हैं, 10 लाख में 1 मिलियन, तो 100 लाख में 10 मिलियन, और 10 मिलियन में करोड़ कितना हो जाएंगे बच्चों, 1 करोड़ में लाख कितने होते हैं, 100, तो 10 मिलियन में कितने हो गए करोड़, 1, क्योंकि 10 मिलियन में 100 लाख, और अबे 1 करोड़ में या करोड़ में मिलियन 10 100 मिलियन, और हमने यहां देखा था कि 1 करोड़ में तो 10 मिलियन होते हैं और इन्होंने लिख दिया 100 मिलियन, तो 100 मिलियन कितने में हो गए, 10 करोड़ में। तो ये बच्चों आपका कंप्लीट।